Hello everyone, in this session we will learn how to create list in HTML. So let's start. First of all, we have to write the basic HTML syntax. So HTML, then the basic structure that I have already explained to you, head, uske baad kya likhte hain, head. Inside the head we will write what, title. तो ये basic structure है, मैंने previous video में बताया हुआ है. Title का नाम दे देते हैं how to create list in web page using HTML, right? ये मैंने टाइटल दे दिया, हेड क्लोज स्ट्रक्चर. नाउ ओपन करते हैं बॉडी, और इसी के साथ ही बॉडी क्लोज. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. आप कोई भी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल में, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो हमेशा लिखना ही पड़ेगा. क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल एचटीएमएल, देन हेड, देन टाइटल, उसके बाद टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी ओपन. अब यहाँ पे जो भी आप बॉडी में शो करेंगे, that you have to write inside the body tag, okay? After then add html close. So ye jo software hai jo maine is pe type kar raha hu, this is vs code. aap chahe aapke paas ye software nahi hai, koi baat nahi, you can write in your notepad also. otherwise you can download from the google, that is visual studio code or vs code. so next is हम क्रिएट करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, तो उसके लिए टैग है ओएल टैग. दिस इज ओएल टैग. ओएल टैग यूज्ड फॉर टू क्रिएट द ऑर्डर लिस्ट. मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ओएल टैग, दिस इज माय लिस्ट. ओके, ओएल टैग से मेरी लिस्ट क्रिएट होगी. दिस इज ओपनिंग टैग ऑफ ओएल एंड दिस वन इज द क्लोजिंग टैग ऑफ ओएल. Inside the OL means इसके OL tag में यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखेंगे वो आपके लिस्ट में आ जाएगा. उसके बाद जो भी लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं li tag, ठीक. That means suppose हमको मैं कुछ एक word sentence है, all day I dream about you. So suppose अब इसको मैं list form में कैसे लिखूँगा, all, then again li close. आप क्लोजिंग टैग ना भी लीजिए, कोई वर्क नहीं, ये कोई बात नहीं, ये ऐसे ही वर्क करेगा. ऑल डे, नेक्स्ट li टैग, आई, वन मोमेंट, फिर आप एक li टैग ले लीजिए. All day I dream कर लीजिए, कुछ जो भी कुछ लिखना हो आपको, dream li about you. Okay, मैंने इसको save कर दिया है. Now see what is the output. This is, मैंने रिफ्रेश किया, नाउ सी, दिस इज माय लिस्ट, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट यू. ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ओएल टैग और जो भी आपको लिखना है आप एलआई में लिखते चले जाइए. ये ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन गया. लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. नाउ सी द कोड. ओके, यहाँ से आपका कोड स्टार्ट हुआ. ol, ol टैग मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट. उसके अंदर li टैग मैंने यूज़ किया है. li में जो भी कुछ आप लिखेंगे, राइट, वो आपका एक लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा. ऑल डे आई ड्रीम अबाउट यू, सी द आउटपुट. मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बॉडी bg कलर ले लेता हूँ. उसका बॉडी bg कलर यूज टू गिव द कलर ऑफ योर बॉडी इज इक्वल टू ग्रीन. In previous video I have already explained. ठीक, तो refresh करेंगे, देखिए
कलर चेंज होके ग्रीन हो गया है और आपको दिख नहीं रहा होगा। सो लेट्स के बाद मैं एक हेडिंग टैग यूज़ कर लेता हूँ सो डैट ये एक हेडिंग में आ जाएगा, बॉडी और फिर आफ्टर देन हेयर। सी दिस इज क्लोजिंग टैग ऑफ हेडिंग, राइट। कंट्रोल एस किया, नाउ सी द आउटपुट, फॉन्ट इंक्रीज हो गया भाई बिकॉज वी हैव यूज द हेडिंग टैग। नेक्स्ट वन इज, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये बाय डिफॉल्ट नंबर ले रहा है ऑर्डर में। अब सपोज आपको ए बी सी डी ऐसे लिस्ट बनानी है तो उसके लिए इसका एट्रीब्यूट होता है दैट इज ओएल टाइप। ओएल टाइप इज इक्वल टू, आप एट्रीब्यूट में कैपिटल ए लिख दीजिए, कंट्रोल एस किया। नाउ सी, अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, एज सुन एज आई रिफ्रेश द पेज, नाउ सी ये कैपिटल ए बी सी डी में आ गया। सो दिस इज द कोड ऑफ ऑर्डर लिस्ट इन अ वेब पेज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।